हेलो गाइस, तो हम क्लास टेंथ का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसका जो चैप्टर नंबर 9 है ना, उसका एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। 4 तक कर लिए हैं। इस चैप्टर के ना एक ही एक्सरसाइज है, तो ना हम इसके एग्जांपल भी करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अच्छे से समझना चाहिए कि इसने कैसे क्वेश्चन सोल्व कर रखे, कैसे स्टेटमेंट यूज करके कैसे डायग्राम बना रखा है। तो मतलब मेन इसमें यही है कि हमें स्टेटमेंट को समझ के डायग्राम बना लिया ना, तो उसके बाद ये आगे अपने आप इजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या है। द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग वेहन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन वेहन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो, कोई भी एक टावर है, टावर क्या है, ग्राउंड लेवल पे है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो अभी ये क्या बता रखा है, देखो यहाँ पे अगर सन यहाँ पे है तो उसकी जो परछाई बनेगी, जो शेडो बनेगी, वो इस साइड बनेगी। तो ये क्या बता रहा है कि ना वो दो जगह, जैसे यहाँ पे सन था तब उसकी शेडो बन रही थी यहाँ पे, ठीक है, वो सन थोड़ा उस साइड गया तो उसकी शेडो ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। तो इसने क्या बताया है कि ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर वेहन द सन्स, अगर सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है ना, यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो ये 40 मीटर लॉन्ग होगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस 40 मीटर बता दे। और अगर मतलब किसके कंपेरिजन में, ये इसका एल्टीट्यूड 60 डिग्री होगा उसके कंपेरिजन में। यहाँ पे इसने दो बता रखा, अगर सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है ना, उससे 40 मीटर ज़्यादा है किसके, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे, अगर ये 40 मीटर है तो इसको हम एक्स ले लेते हैं, तो इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ टावर है, बी सी क्या है कि है ना, बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द शेडो है, कब, जब वेहन एल्टीट्यूड सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री एंड डी बी इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड वेहन एंगल मतलब एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ठीक है। मतलब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तब उसकी लेंथ ये बी डी है, और अगर 60 डिग्री है तब उसकी बी सी है। तो अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की, जो क्या है ए बी। तो हमें ए बी निकालना है, बस ए बी ही निकालना है। अगर देखो यहाँ पे डी सी है 40 मीटर और बी सी है एक्स मीटर, तो डी बी मतलब बी डी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 40 मीटर, ठीक है। ये पूरा कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, और हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, हम इसको अगर डायरेक्ट ऐसे करें कि x प्लस 40, तो हमारे पास ये नहीं है, तो ऐसे यहाँ से नहीं निकलेगी। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन होता तो हम इजिली निकाल लेते। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे ये राइट एंगल है, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये इसका हाइपोटन्यूज और ये इसका बेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो 10 60 कितना होता है, रूट 3। ए बी हमें नहीं पता, बी सी कितना है, एक्स, तो यहाँ से ए बी कितना आ गया, रूट 3 एक्स आ गया, ठीक है। ये तो किसकी ए बी की वैल्यू आई है। अभी हमें एक्स मतलब ये भी पता होना चाहिए, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको तो यहीं पे छोड़ देंगे और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अभी हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वही, ये है पूरा 40 प्लस एक्स, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो वही 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी डी। तो ए बी कितना है हमें नहीं पता, और बी डी कितना है, 40 प्लस एक्स, तो 10 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 40 प्लस एक्स। तो यहाँ से ए बी कितना निकल जाएगा, ए बी आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 ए बी इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स, तो ये ए बी आ गया
40 प्लस एक्स अपॉन रूट 3। अभी ए बी ये होगी इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए बी इक्वल्स टू रूट 3x और ये क्या है ए बी 40 प्लस एक्स अपॉन रूट 3। तो ए बी ए बी अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स अपॉन रूट 3। ठीक है, तो अभी देखो 40 प्लस एक्स अपॉन रूट 3 तो रूट 3x, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 एक्स इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40, 2x इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू तो आ गई 20 मीटर, ठीक है, हमें चाहिए क्या ए बी चाहिए, x तो आ गया 20, हमें ए बी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए बी चाहिए तो रूट 3x, तो ए बी हमें ये जो x की वैल्यू आई है ये इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई 20, तो ये क्या आ गया 20 रूट 3 मीटर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्टेटमेंट को समझना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, अभी करते हैं हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो देखो यहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होती है, इस तरह बहुत सारी फ्लोर हों उसमें, ठीक है, ऐसी होती है बिल्डिंग। तो इसने क्या बताया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है, इससे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ रहे थे, इसमें हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, मतलब जो नीचे की साइड हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की साइड बनता है। तो इसने क्या बता दिया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी, ठीक है, एक ये तो है ना मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसने क्या बताया है, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बना रही है, कैसे, इसके टॉप पे, टॉप से तो देखो टॉप एंड बॉटम जो 8 मीटर है ना, यहाँ से इसके ऊपर ये इसका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो ये इसके ऊपर बना रही है कितना 30 डिग्री का इसके टॉप पे, और इसके बॉटम पे कितना बना रही है 45 डिग्री का, मतलब ये जो कंप्लीट है ये कितना बना रही है 45 डिग्री का, ठीक है। ये तो 30 डिग्री का बना रही है इसके टॉप पे, और इसके बॉटम पे बना रही है 45 डिग्री का, जो छोटे वाली बिल्डिंग है ना, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, इसका जो टॉप है ना वो इसके जो टोल जो छोटी बिल्डिंग है उसके टॉप पे तो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसके बॉटम पे बना रहा है 45 डिग्री का। तो अभी देखो अगर ये ग्राउंड लेवल पे ही होती है बिल्डिंग, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, अगर देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं ट्रांसवर्स कर रही है इस पैरेलल लाइन को, तो क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर 30 डिग्री है तो देखो ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी 30 डिग्री बनेगा, ऐसे ही अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है, तो एसी निकालना है, और क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, मतलब इन दोनों बीच के डिस्टेंस निकालनी है, मतलब डी सी निकालना है, एसी निकालना है और डी सी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, अभी हमारे पास दो ट्राइंगल हो गई,
ये अगर 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है, ये 8 मीटर, इसको हम ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, तो ये कंप्लीट कितनी हो गई, एक्स प्लस 8 मीटर हो गई। ठीक है, ये 8 मीटर और ये निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टेन 30 डिग्री लेके चलते हैं, टेन 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी ई, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ए बी कितना है एक्स, बी ई हमें, ये बी सी नहीं आएगा बी ई आएगा, तो बी ई हमें नहीं पता, तो यहाँ से बी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी x√3 मीटर, तो बी ई की वैल्यू आ गई x√3 मीटर। अभी हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी दूसरे वाले ट्राइंगल है, इनमें हमेशा दो ट्राइंगल गिवन होगी ना, दोनों का यूज करके ही निकलेगी वैल्यू जो भी निकलेगी वो, इन ट्राइंगल ए डी सी इसमें क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ए सी अपॉन डी सी, तो ए सी कितना है एक्स प्लस 8 मीटर अपॉन डी सी कितना है नहीं पता, तो 10 45 डिग्री कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 अपॉन डी सी, तो यहाँ से डी सी कितना निकल जाएगा एक्स प्लस 8 मीटर। तो अभी देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, बी ई निकला है x√3 मीटर और डी सी निकला है एक्स प्लस 8 मीटर, तो अभी देखो बी ई, ये बी ई और डी सी इक्वल नहीं है, बी ई इज इक्वल्स टू डी सी क्योंकि ये लाइन पैरलर है, बी ई इज इक्वल्स टू डी सी, तो देन अगर बी ई और डी सी इक्वल है तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी, तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, बी ई इज इक्वल्स टू डी सी, तो x√3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 मीटर। अभी हम इसको x को इस साइड लेके आएंगे, x√3 - x इज इक्वल्स टू 8, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो √3 - 1 इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3 - 1। ठीक है, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, 8/√3 - 1 आ गई तो हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो +1/√3 + 1, तो 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई √3 + 1 अपॉन इसकी क्या हो जाएगी 3 का स्क्वेयर - 1 का स्क्वेयर, तो 9 - 1 ये हो जाएगी 9 - 3 × 3 थोड़ी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का √3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 - 1, तो ये कितना आ गया 8√3 + 1/√3 - 2, तो 2 4 जा ये आ गया 4√3 + 1। ठीक है, ये तो आ गई x की वैल्यू, तो x कितना आया है, ये आया है x√3 + 1। अभी हमें क्या क्या निकालना था, ए सी निकालना था, तो अगर देखो ये एक्स आया है √3 + 1, ये 8 है तो एक्स प्लस 8 ये पूरा निकल जाएगा, तो ये ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा x + 8, तो 4√3 + 1 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4√3 + 4 + 8, 4√3 क्या क्या 4 के अंदर मल्टीप्लाई करिए फिर, और ये 12 हो जाएगा, यहाँ से फिर एलसीएम लेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा √3 + 3, तो यहाँ से ए से कितना आ गया √3 + 3, और हमने बस यही पूछ रखा था। यहाँ से ए से की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई √4√3 + √3, तो हमसे डी सी भी पूछ रखा था, तो डी सी कितना आ जाएगा
डीसी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 मीटर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4√3, तो डीसी है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, एसी के इक्वल आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 4√3 + 3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 आप करके देख लेना, उसमें क्या है देखो मैं बता देती हूँ एक बार आपको। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, कोई भी एक पॉइंट से देखो, कोई भी एक रिवर है तो वो रिवर है ना किसी भी एक ब्रिज के पॉइंट से क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रखा इसने, बैंक्स, बैंक्स क्या होता है जैसे कोई भी एक रिवर है तो उसकी ये जो है ना सिरे होंगे ना दोनों साइड से, ये उसके बैंक्स होंगे। ठीक है, तो है ना वो क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं कितना, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। तो ऐसे ये कोई भी एक ब्रिज है, यहाँ पे हाइट दे रखी है, तो यहाँ पे बना रहे हैं 30 डिग्री का, यहाँ पे बना रहे हैं 45 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का और ये 45 डिग्री का, यहाँ पे बनेगा। अगर ये 35, ये भी 30 डिग्री का हो गया और ये भी 45 डिग्री का हो गया, तो ये एग्जांपल है, इसको आप देख के करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। इसने हमसे क्या पूछ रखा, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ पूछ रखी है, मतलब ए बी ये जो नीचे ये वाली डिस्टेंस है ये पूछ रखी है, तो ये इजीली निकल जाएगी इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके, वही हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो हमने 8th चैप्टर में किए हैं और ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एग्जांपल तो बस मैंने आपको ये समझाने के लिए करा था कि थोड़ा सा आपको ये समझ में आ जाए, थोड़ा बेस क्लियर हो आपका, तो एग्जांपल करने भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल नंबर 7 करके देखना, अगर ना समझ में आए तो मैं फिर करवा दूंगी। ठीक है, अभी करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज इसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।